नो बड़ा अच्छा लगता है, जितने लोग हैं सब लोग वो लोग हैं जो बड़ा कमाल का काम करते हैं लोगों के लिए, आज जब उनको ऑनर किया जाता है तो बड़ा अच्छा फील होता है। एंड आई थिंक राम भाई ने यू नो इंस्पायर तो करते ही लोगों को, जब सब लोगों को यू नो आप ऑनर करते हैं तो आई थिंक उनको और इंस्पिरेशन मिलती है अच्छा काम करने के लिए। काफ़ी लोग मतलब आपसे जो सोशल वर्क जो आपने किया है कोरोना के टाइम से काफ़ी इंस्पायर होते हैं, वो दिन जब याद आती है आज तो क्या कहेंगे, वो मतलब कैसा फील होता है सर? मुझे लगता है ऊपर वाला है जो करवाता है, हम तो सिर्फ आई थिंक जरिया हैं और आज हम लोग खड़े भी हैं एक साथ, तो आई थिंक ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं उस दिन सुना होगा, चुना होगा और आज हम लोग सब साथ में हैं। बात करें आपकी मूवी की, फतेह मूवी, सब इतने इंतजार कर रहे हैं, आप कितने एक्साइटेड और इस बार क्या अलग स्टोरी आप लाने वाले हो अपने स्टोरी के थ्रू, क्योंकि जब आते हैं एक कहानी लेके आते हैं आप साथ? नो आई थिंक मेरी जो फतेह की जर्नी रही है, जो साइबर क्राइम इतना लोगों के साथ हुआ है 2.5 साल जो मेरे पास आए मदद मांगने के लिए, इनफैक्ट आज भी आते हैं, सो उन्हीं की जर्नी है कि किस तरह साइबर क्राइम देश में फैल रहा है एंड हाउ फतेह जो मेरा कैरेक्टर है यू नो उस पर फाइट करता है। सिंस आई हैव रिटन एंड डायरेक्टेड द फिल्म, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल। सर साइबर क्राइम की बात करो तो आजकल डीप फेक वीडियो भी आजकल काफी, मेरा खुद का बन चुका डीप फेक वीडियो और हमारी फिल्म के अंदर भी एड्रेस किया हम लोगों ने, वी हैव एड्रेस दैट इशू। चीज को मतलब अगर सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है कहीं ना कहीं, तो इस चीज को कैसा फेस किया जाए, क्योंकि जो कमजोर होते हैं, जो कमजोर दिल वाले होते हैं, तो उनको अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। आई थिंक अवेयरनेस देनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप अवेयरनेस देते हो तो आई थिंक आप क्राइम को रोक सकते हो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। क्या मैसेज देना चाहेंगे टू द ऑडियंस? सो जस्ट यही कहना चाहूंगा, कमाल का काम करते रहो, दुआएं कमाते रहो और उसके बाद फिर राम का नाम लेते रहो। जय श्री राम। भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो डीप फेक वाला बात किया ना, तो अभी सोशल मीडिया और सबको जल्दी ट्रस्ट मत करना, कौन सा रियल मीडिया कौन सा नकली पता नहीं चल सकता। इवेंट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल, ये मुंबई रफ्तार वाले जो हमारे राम भाई हैं, ये हमारे फैमिली जैसे हैं, तो जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं तो आ ही जाता हूँ। आज सोनू भाई ने आके 4 चांद लगा दिए और ये लोगों ने बहुत अच्छे से लोगों को ऑनर किया। सोनू भाई के सारे काम के लोग हैं, कई डॉक्टर हैं, कई कुछ करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सोशल काम करते हैं, तो सोनू भाई को नंबर दे देना भाई सबका, क्योंकि सोनू भाई के पास एक लिस्ट लाइन रोज लगी होती है नीचे, तो अच्छे काम करने चाहिए, यू शुड हेल्प ईच अदर। मेरे को लगता है कि हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है कि जो भी लोग हमारे लिए काम करते हैं हम उनके घर को पूरा सपोर्ट करें, उनकी फैमिली को पूरा सपोर्ट करें। इफ़ यू कैन जस्ट डू दैट मच द होल कंट्री विल गो मच फॉरवर्ड। सर कहीं ना कहीं आपके फैंस भी है जो चाहते हैं आपको बड़े पर्दे पे देखना, तो वो कभी इच्छा पूरा हो सकता है क्या? हाँ नहीं नहीं ज़रूर, यानी एक मेरी फिल्म आ रही है वो लगेगी मई में, नानक नाम जहाज़ है, पंजाबी पिक्चर है, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ है जय श्री राम हमारा शो जिसे हम लेके अमेरिका जा रहे हैं, एंड द होल ऑफ अमेरिका कैनेडा इज़ गोइंग टू वॉच एंड शाउट जय श्री राम। सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, यानी कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, लाइव शो करने का जो मज़ा है वो अलग ही है, और प्रभु श्री राम का नाम हनुमान जी की सेवा करना मुझे बहुत आनंद देता है। क्योंकि अवार्ड मिल रहा है एंड ज़्यादा खुश हुई ये इस बात क्योंकि सोनू सूद सर के हाथ से मिल रहा है एंड बहुत अच्छा लगा है। आई एम थैंकफुल टू द एशियन आइकॉनिक अवार्ड्स फॉर दिस ऑनर एंड इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, थैंक यू सो मच। तो अभी मेरी एक फिल्म आ रही है वीर सावरकर जो 22 मार्च को रिलीज़ हो रही है, उसके अलावा मैंने फिल्म की थी तुलसीदास जूनियर जिसको नेशनल अवार्ड मिला था हमारे प्रेसिडेंट से, और मुझे भी मिला था नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर का। फिर RRR में था, फिर अभी एक बच्चा गैंगर की फिल्म आएगी, एक है कोविड स्टोरीज़ जो अपकमिंग में है, और बाकी अभी मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है वो है छावा फिल्म विक्की कौशल सर के साथ, तो ये सब है। थैंक एंड द टीम टू गिव मी दिस अवार्ड एंड द रिकग्निशन दैट इट गिव्स मी इज रियली ऑनरेबल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। थैंक यू। It's a privilege to be here and I'm very happy to receive this award. Thanks to Asian Icon Award and thanks to Sonu sir for honoring me for this award. Thank you sir. जी हाँ, हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका पोस्टर भी अभी रिलीज़ किया गया है, तो बहुत जल्दी आप लोगों को वो सब देखने को मिलेगा। हमारा न्यू एक सॉन्ग आ रहा है, अपकमिंग सॉन्ग। जी हाँ, वो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वो हमारे सॉन्ग का नाम है आफरीन चेहरा, सो इट विल कम सून, तो आप लोग देख पाएंगे। मैं अपने फैन से यही कहना चाहूँगी कि व्हाटएवर लव
whatever blessings you're giving me. Thank you for that, and keep encouraging me. That's it. ये आइकॉनिक अवार्ड मिला है, बहुत खुशी हो रही है दिल में. एक बहुत अच्छा संकल्प श्री राम सर जो है, और शैलेश सर, राज सर, और बहुत सारे उनके सहकारी, जो समाज में जो एक परिवर्तन लाने वाले लोगों का जो सम्मान करते हैं यहाँ पे बुला के हर बार, वो बहुत अच्छा लगता है. सम्मान हर किसी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ, एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ समाज में, एक आर्थिक नया व्यापार जो है, आधुनिक बिजनेस है, उसके बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन जो शेयर करता हूँ, एक समाज में एक नॉलेज देने का काम करता हूँ, और उसके बदले में मुझे यहाँ पे मुझे सम्मान मिल रहा है. मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज. और सोनू सूद के बारे में क्या कहूँ, इतना डाउन टू अर्थ, इतने बड़े स्टेज पे काम करने वाले कलाकार, अगर हम जैसे मतलब हर किसी के साथ में एकदम आम आदमी की तरह पेश आते हैं, तो उनसे यही सीख मिलती है कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, अपने ज़मीन पर पैर रखना बहुत ज़रूरी है. वैसे ही यहाँ पे हर भारत जो नवनिर्माण हो रहा है, और उस भारत नवनिर्माण में एक आधुनिक व्यापार जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी बिजनेस में हो रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हर भारतीय ने लेनी चाहिए. एक्चुअली हम लोग भारतीय टेक्नोलॉजी यूज़ करने में बहुत माहिर है, जैसे कि कंप्यूटर है बरा ना, और मोबाइल है, सब एंड्रॉयड फ़ोन्स है, आज बच्चे भी एंड्रॉयड फ़ोन हमसे ज़्यादा अच्छा यूज़ करते हैं. तो लेकिन उसके साथ में कुछ टाइम पास होता है बेसिकली, और कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव काम हो जाता है. तो हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अपनी प्रगति करने के लिए, समय सबको बहुत सबको सेम मिला है, लेकिन वो समय का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, हर एक के ऊपर निर्भर है. तो अभी जो टेक्नोलॉजी बिजनेस है, उसकी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, यूट्यूब चैनल पर मिलती है बरा ना. और हम यहाँ पे जो आधुनिक बिजनेस जो है, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल करेंसी के बारे में, मैं योगेश मोरे मुंबई से पूरे ऑल ओवर इंडिया, और अभी आगे जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं ऑल ओवर वर्ल्ड को इसके बारे में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हूँ. सही क्या है, गलत क्या है, सही बिजनेस में इसमें सही बिजनेस किस तरह से की जाती है, सही इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ, और मैं कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. अभिषेक है, और मेरी स्टार्टअप है दिल्ली NCR में, करियर चॉइस 360. ये MBA ई लर्निंग के लिए है. जो भी स्टूडेंट्स MBA करना चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज से, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं एज अ स्टार्टअप, उनको एक करियर पाथ देते हैं ताकि वो आगे अपने करियर ग्रोथ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकें और अपना करियर कंप्लीट कर सकें. अभी 3 साल हुई है इस कंपनी को, और कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट के लिए जा रही है नेक्स्ट मंथ 7 डोम पे. थैंक यू. गुड इवनिंग मुंबई, बहुत अच्छा लग रहा है. आज पहली बार मुझे बॉम्बे ने बुलाया, जो कि इस जगह से ही मेरा रिश्ता है, मेरा ससुराल है ये, और मेरे पति ने ही मुझे इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में बहुत सपोर्ट किया, जो कि मैं एक छोटे से शहर ग्वालियर से हूँ, और मैं वहाँ पर भी मिसेज इंडिया मिस एशिया प्लेटफॉर्म तक अपने शहर की सिंपल फीमेल्स को भी पहुंचा सकती हूँ, जो कि सोच भी नहीं सकती कि मैं इस प्लेटफॉर्म तक जाती हूँ. मैं वहाँ ग्वालियर में रन कर रही हूँ तुला वेलनेस सेंटर, और आज 12.5 साल से मैं उसको चला रही हूँ. अब तक काफ़ी अचीवमेंट्स हैं. मिलना, और वो भी सोनू जी के हाथ से मिलना, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मेरा नाम अंजलि अरोरा है, मैं CEO हूँ, फाउंडर हूँ बोआ गैलरी की, बुके ऑफ आर्ट गैलरी. आर्ट फील्ड को कहीं ना कहीं बहुत डीवैल्यू किया जाता है, मगर सोनू जी ने कहा है कि वो भी, उन्होंने भी इस बारे में बहुत सोचा है, और उन्होंने ऑलरेडी इस बारे में काम करना भी स्टार्ट किया है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं सोनू जी से पर्सनली एक बार मिल पाऊँ, और उनके साथ मिलकर हम लोग आर्ट फील्ड के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ कर पाएँ. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? महत्वपूर्ण ट्रॉफी है जीवन में, जब भी अवार्ड आपको मिलता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है. मुझे जब भी जैसे भी अवार्ड मिला है, हर अवार्ड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है. ये अवार्ड सोनू जी के हाथों मिलना और अच्छी बात है. रामपाल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि मैं पूरी वर्कर एसोसिएशन को बिलोंग करता हूं, इसलिए ये अवार्ड उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सोनू जी ने जो काम किया है, वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, एक महान सोशल वर्कर हैं. उनके हाथ से मिलना बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है. लोग मिलने के लिए लाइन लगाते हैं,
हमें उनके हाथों अवार्ड मिला, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। थैंक यू। ये अवार्ड लेते हुए बड़ी खुशी मिली, और साथ साथ में रामपाल जी और राज काले साहब का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया और इतना खूबसूरत अवार्ड दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली वी आर अ वॉलपेपर ब्रांड फ्रॉम रायपुर एंड वी आर थैंकफुल फॉर एशियन आइकॉनिक अवार्ड्स फॉर रिवॉर्डिंग अस, फॉर रिकॉग्नाइजिंग अस एंड गिविंग अस अ स्टेज टू रिप्रेजेंट अस। थैंक यू। माय कंपनी नेम इज बीज टेक्नोलॉजीज आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड। इट इज अ ग्रेट ऑनर टू बी अवार्डेड एशियन आइकॉनिक अवार्ड थैंक्स टू Dr. Raj Kale and his team. They are doing an outstanding job and recognizing entrepreneurs like us. Thanks, sir. Anna Amrita Foundation has received the Asian Iconic Award from the hands of Mr. Sonu Sood. It is a great privilege to Anna Amrita Foundation to receive this award, and we thank you organizing committee to giving such a honor. And it is a part of our social service. Thank you very much. मैं बरुआ, आज मुझे एशियन आइकॉनिक अवार्ड मिला है। मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का और सोनू सूद जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवार्ड दिया। थैंक यू। डॉक्टर विलास कानस्कर, आज एशियन आइकॉनिक अवार्ड में मुझे नॉमिनेशन मिल के तो मैं थैंकफुल हूँ। डॉक्टर राज काले सर, रामपाल जी और शैलेश जी, इनकी वजह से ये सम्मान यहाँ प्राप्त हुआ मुझे। थैंक यू वेरी मच। ये जो अवार्ड सेरेमनी में जो सिग्नेचर शो जो राही रमेश को ये अवार्ड दिया गया है, एक रिकॉग्निशन मिली है, और मैं सारे जो अरेंजमेंट करने वाले, प्रोग्राम करने वाले सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली फ्रेंचाइजी बताओ .com शैलेश भाई, पंकज बाबरी जी और चित्रेश सोनी जी का, और हस्ताक्षर ज्योतिष से आप अपने जीवन को एक्सीडेंटल सेफ्टी कर सकते हैं, मेडिकल सेफ्टी कर सकते हैं, और ज़िंदगी में जो भी कैरियर काम आप कर रहे हैं, अगर आपका सिग्नेचर गुड लक में है तो ज़रूर आप अपने इलाके में, अपने काम में, अपने हुनर में आपको बहुत आनंद की ज़िंदगी मिलेगी और एक हीरो के रूप में रहेंगे। गुड लक सिग्नेचर का जो मज़ा ले रहे हैं सेलिब्रिटी में, वो माही साहब हैं, विराट कोहली जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, और टफ लक जो सफ़र कर चुके हैं, जैसे माइकल जैक्सन ने सफ़र किया, अभी कंगना रनौत सफ़र कर रही है, और इवन उद्धव ठाकरे जी सफ़र कर रहे हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी चाहे चपरासी हो या प्रधानमंत्री, सबकी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो अपने सिग्नेचर व्हाट्सएप पे भेज के भी आप सिग्नेचर कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है सिग्नेचर योग मेडिटेशन, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है सिग्नेचर योग मेडिटेशन। थैंक यू। जय सही राम, ओम सही राम। मैं अल्केमिस्ट कोच एंड एन एनर्जी हीलिंग कोच। माई ऑब्जेक्टिव इज टू रीच आउट टू 10,000 पीपल प्लस टू इम्पैक्ट द लाइफ पॉजिटिवली, एंड आई एम रियली हैप्पी to receive this Asian Iconic Awards from Sonu Sood, and also thanks to Chitresh and team for giving me this opportunity. So reach out to me if you would look out for transforming your lives through energies and through a life coach. Thanks a lot. Thank you. And we mentors to CA students across the globe. Till date we have mentored more than 20,000 CA students, and I'm really happy that I have received this award from Sonu Sood sir. Really grateful to Sonu Sood sir and Chitresh Soni sir. Thank you. It is a lovely trophy given by Mr. Sonu Sood. He himself is such a good influencer that we have many things to learn from him. But since I've got this from him, I'm really very happy. I'm Dr. Sachin Lohia. I'm a pain physician. I'm into acupuncture now, where we heal patients without medicines and without surgery. So we have taken lots of camp in Konkan region, helping many of the poor people, and really I think this is an appreciation for all that work, hard work done by our team. Thank you. Meenakshi Yadav, MD Shakti Managing Director. ये award ये दर्शाता है कि पिछले चार साल से हम NV Shopee एक retail industry में काम कर रहे हैं, और NV Shopee का मकसद है देश में retail को बहुत easy करना, customer को उसके घर तक service पहुँचाना, चाहे वो गाँव में रहता हो या शहर में रहता हो। एक एप्लीकेशन और एक अपनी फ्रेंचाइजी चेन के थ्रू पूरे पैन इंडिया 155,000 पिन कोड पर इस बिज़नेस को लेकर जाना और एक आम आदमी को यहाँ पर बिज़नेस देना, ये NV Shopee का लक्ष्य है। तो NV Shopee को आज ये अवार्ड मिला है जो कि सोनू सूद जी के द्वारा मिला है, तो हम बहुत थैंक्सफुल हैं आप सभी के कि आपने सबने हमारा साथ दिया।
1,75,000 एनवी शॉपी के यूजर्स उनका, और साथ में पूरे एनवी शॉपी के साथ साथ मैनेजमेंट का, साथ में इस संस्था के द्वारा जो अवार्ड मिला उसका। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया। थैंक यू सिंह, IIT रुड़की 2010-14 बैच एंड फाउंडर एंड CEO ब्रेन रिकॉर्डिंग एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। पिछले 3 साल में जो मेहनत की है, मुझे लगता है आज वो दिन है जब कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, जब रियलिटी में दिख रहा है कि हाँ कुछ फल मिल रहा है उसका। इंडिया में 15 से ज़्यादा स्टेट्स में और जल्दी ही 8 से ज़्यादा कंट्रीज में ब्रेन रिकॉर्डिंग की लॉन्चिंग होने वाली है, जो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो न्यूरोसाइंस बेस्ड माइंडसेट और पर्सपेक्टिव के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि सिर्फ बातों से देश नहीं बदल सकता, हमें केमिकल लेवल पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम लोग देश की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है माइंडसेट और पर्सपेक्टिव की, कि जो सोच ही है हम उसे केमिकल लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द पूरी दुनिया में भारत का इससे भी नाम होने वाला है। और ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सोनू सूद सर ने जब ये अवार्ड दिया, उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी माइंडसेट पर कुछ कर रहे हैं, और फ्यूचर में शायद हो सकता है हम सोनू सूद सर के साथ मिलकर भी कुछ चीज़ें करें। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन टू द फैशन मॉडलिंग एंड ऑल द एंटरटेनमेंट फील्ड। मिस मोनिका, टेल अबाउट द समथिंग अबाउट यू। और मैं डायरेक्टर हूँ बायबैक कार्ट कंपनी का। सबसे पहले तो जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंचाइजी बताओ कि आशीष अग्रवाल जी, जिन्होंने टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया है और उन्हें अवार्ड किया है, इनक्रेज किया है कि अगले साल के लिए वो और बेहतर करें। हम बायबैक कार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस में ग्रॉसरी के, और हमारा लक्ष्य ये है कि हम पूरे पैन इंडिया में जो भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, अर्न करना चाहता है, उसे हम ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो कि बहुत एक लो बजट में अपना काम स्टार्ट कर सके। तो हमारा लक्ष्य यही है कि भारत में घर घर जितने भी लोग हैं वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में जागरूकता लाएँ और आगे बढ़ें। और फ्रेंचाइजी बताओ और स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सबको रिकॉग्नाइज़ किया और अवार्ड किया इसके लिए। थैंक यू सो मच। इज़ अ ब्रांड विच इज़ इन टू कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वी आर क्रिएटिंग कैप्सूल होम, SS पोर्टेबल स्विमिंग पूल्स एंड मैनी अदर कस्टमाइज ऑफिसिस। वी आर मेकिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विच आर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स। वी आर मेकिंग सच प्रोडक्ट्स टू मेक इंडिया प्राउड। अवर कैप्सूल होम इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट अवार्ड विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम franchisebatao.com, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू franchisebatao.com फॉर एंकरेजिंग अवर बिजनेस एंड एंकरेजिंग अवर प्रोडक्ट। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सुनील कर, डायरेक्टर ऑफ 3S डेंटल केयर, एंड माई ड्रीम इज टू मेक डेंटिस्ट्री अवेलेबल टू द रूरल पीपल ऑफ ओडिशा, रूरल पीपल ऑफ इंडिया, एंड आई वॉन्ट टू हैव the leading dental chain of practice which has the international standards throughout India. This is my dream, and I thank Franchise Batao for supporting me and Mr. Pawan Booth for supporting me. Thank you all. Thank you so much. हम फुटबॉल कोच हैं और हम चाहते हैं कि अभी हम अंडर 15 बच्चे लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं इंडिया टीम के, हम चाहते हैं इससे ऊपर और भी जाके आगे इंडिया टीम को फुटबॉल में इतिहास में और आगे। माई सेल्फ आराधना श्रीवास्तव, आई एम अ जनरल मैनेजर ऑफ फॉरेस्ट्री तलम। So generally it's a like a eco-friendly resort which is situated in the Raigad. So we are here to introduce you the untouched property, full of nature, full of life, full of eco-ness. You can find any, not nowhere in like Mumbai kind of this, like so much of like rush, traffic and all. If you want to relax and if you want to go and do that like time with your family and your friends, definitely come to Tala. See, we are having a founder of Mr. Viresh Chhabra, who is on this company. So generally we do a lots of activities over there, like we have archery's bike, like we have archery's, rifle shooting, ATV bikes, all the facility like spa and lots of things you can go and do over there. The property spread around 110 acres. So I am requesting you guys, just take a break from your like hard working days and go there and relax yourself. Thank you so much. A few words for the organizers and the awardees today. So firstly, I would like to thank Shailesh Bhai and Rampal sir for organizing such a great event, and obviously they do it successfully,
and we have seen Shailesh Bhai grow from a scratch till now. And one thing I would like to say all the awardees is manzil unhi ko milti hai jinke sapnon mein jaan hoti hai, pankhon se kuch nahi hota, hauslon se udaan hoti hai. So this is for all the awardees, and thank you to all the organizers. Thank you so much. Just want to tell you one thing. एक छोटी सी शुरुआत करके 70 लाख के कर्जे से एक छोटी शुरुआत करके एक बहुत दूर का सफर तय किया है. आज एक मल्टी करोड़ की कंपनी बना दी है जो ऑलरेडी अपने आप में एक ब्रांड है. एक मल्टी करोड़ की कंपनी बनाने का सफर बहुत दूर तक का सफर था. ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है अवार्ड जीतना. और ये इवेंट इट वॉज रियली वंडरफुल एंड बहुत अच्छे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक शैलेश सर हैं, राम सर हैं, सोनू सर हैं, बिंदु सर हैं, दे आर वेरी गुड. ज़रा सी बात बोलना चाहूँगा उन सभी लोगों से जिन्होंने छोड़ दिया था मुझे मेरा वक्त देके. एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेके. 24 घंटे चल रही है सक्सेस मेरे ब्रेन पर. मैंने एक और डील साइन की, तू बस कंप्लेन कर. ठान लिया कि मैंने जब मंजिल तक अब जाना है, जो काट दोगे पैर मेरे तो जाऊँगा मैं रेंग कर, तो जाऊँगा मैं रेंग कर. ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ. यू नो आसमान में भी छेद हो सकता है, बस पत्थर मारने का इरादा नहीं होना चाहिए. इट वॉज रियली वंडरफुल इवेंट. रियली लव यू ऑल. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. Just have got this award from Sonu Sood sir. Thank you for organizers, because without them we could not achieve this kind of event. Actually we are manufacturer of different kind of chemicals, and really for overall thanks to all of you. Thank you. Good evening. Thanks for this, Mr. Rampal, Shailesh ji, especially Pavan ji. Thank you so much. See, I am Urvashi Kapoor. By profession, I am a model actor. I am a Queen of India 2022. I am into film industry. I know about the film industry. My industry is really good, and really they want a hard work and hard struggle. So I am, जब महेश भट्ट जी जो हैं उनको मैं अपने godfather मानती हूँ, and he is really nice guy. So वो always मुझे motivate करते हैं. तो it's my point of view कि जैसे महेश भट्ट जी, उनके बारे में जो negative चीज़ें होती हैं, I know about that. Mahesh Bhatt is really good person, and my industry is really good. Maybe the outside, जब मैं चीज़ें सुनती हूँ कि industry के बारे में, तो I feel really bad कि ये industry सिर्फ एक hard work मांगती है, pure heart मांगती है. So see, I have 2-3 films in this year, and it's from Chennai. So maybe I love Bollywood. Thank you so much. The organizer, especially Mr. Pawan Singh from Reality Quarter, and all the organizer for the Asian Iconic Award 2024. So basically, this award is for a best affordable premium housing of the year 2024. So I like to introduce to you. We are from Zar Builders and Developers. The tagline of our company says "Ek ghar apna bhi." Zar Builders and Developers has a vision. जर बिल्डर्स और डेवलपर्स का सपना है कि हर एक इकोनॉमिकल मिडिल क्लास आदमी को हर वो फैसिलिटी, हर वो सुविधा मिले जो एक नॉर्मल लग्जरियस अपार्टमेंट्स को मिलती है. तो वही सोच को लेके जर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में अपना काम स्टार्ट किया, और आज प्रीमियम फ्लैट्स हर एक मिडिल क्लास आदमी को मिले हर वो फैसिलिटीज़ के साथ जो एक लग्जरी अपार्टमेंट में फैसिलिटी होती है. वो सारी फैसिलिटीज़ कैसे हम अफोर्डेबल करके कस्टमर्स को देते हैं, ताकि एक लोग सोसाइटी में रहने वाला आदमी भी हाई सोसाइटी का मज़ा ले सके. वो इंटेंशन के साथ मैं सारे स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइज़र को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने हमें इसके काबिल समझा. और आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है कि हम हर बार 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 अच्छा काम करें, कि आप लोग फिर हमें नॉमिनेट करके इस अवार्ड से सम्मानित करें. जय हिंद, जय भारत. मोर देन 17 प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉम्बे, पुणे एंड हैदराबाद में स्टेट का पोर्टफोलियो अवेलेबल है. सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ मैंडेट प्रोडक्ट्स विच हेल्प इन द सेल्स एंड मार्केटिंग टू द डेवलपर्स. एंड वी थैंक मिस्टर पवन जी फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटी गिवन टू अस टू एक्सप्लोर इन टू द मार्केट. थैंक यू. मैं हूँ बीजेपी से, और मेरा एक छोटा सा नर्सरी है पेड़ पौधों का. और शैलेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे सोशल वर्क के तौर पे ये अवार्ड दिया है. और सोनू सिंह जी का, दारा सिंह बिंदु जी का बहुत बहुत सब करती हूँ. और जैसा कि कहा है कि सबका साथ सबका विकास, हमारा ये विश्वास. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एवरीवन, माय नेम इज़ पवन चौहान. आई एम द फाउंडर ऑफ रियल्टी क्वार्टर.
एंड रियल्टी क्वार्टर इज अ रियल एस्टेट मीडिया कंपनी, मीडिया एंड मार्केटिंग कंपनी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ कंपनीज होती है, जनरल न्यूज़ के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, मसाला होता है, बट रियल एस्टेट के लिए इतना न्यूज़ नहीं बनता क्योंकि रियल एस्टेट में हर दिन कोई चीज़ नहीं होती है। सो आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 17 ईयर एंड आई हैव डन लॉट्स ऑफ इवेंट एग्जीबिशन अवार्ड्स फॉर सो मेनी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो वी आर कमिंग अप विथ आर 17th एडिशन इन दुबई इन द मंथ ऑफ जून एंड वी आर सेलिब्रेटिंग आर 7th रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड 2024 in the month of April. Thank you. And especially thanks for this award, Asian Iconic. I really thanks to Rampal sir, Shailesh bhai, jinhone ye sa award humko diya hai. And I really appreciate all and I congratulation all the awardees and sponsors who supported this event. Thank you so much. Myself, Sri Sainavin Gubbala, and I am the Young Director of the Indian Department of Kyrgyzstan Medical University, Altamini International University. So we provide medical education to the Indian students with low cost and premium education for their aims, and also there are so many Indians who are suffering with middle class and also need to get their more premium education of the doctors and achieving their goals from our university, and we are very blessed to have the Indian students in our university and myself, and thank you. And this award I want to dedicate to my family and also my Prasanna, and thank you so much for giving this opportunity. Joshi from Rajkot. I am social media entertainer, and thank you so much Asian Iconic for giving me this stage and the award from Sonu Sood sir, my favorite. Thank you so much. गलत है, हम कौन आता है पता नहीं चलता, पर कौन जाता है सबको पता होता है। तो हमारी जो लाइफ होती है वो मॉर्निंग से लेकर रात तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नंबर्स पर चलते हैं। आई एम अ इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एज अ ईशा ठक्कर फ्रॉम सूरत गुजरात, एंड थैंक यू सो मच टू एवरी वन टू गिव अ ग्रेट ऑनर ऑफ दिस। थैंक यू सो मच एनर्जी, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि सोनू सूद के आज से ये एशियन आइकॉनिक अवार्ड मेरे को मिला हुआ है। और हमने रिसेंटली एक जैवी इलेक्ट्रिक करके एक स्कूटर लॉन्च किया हुआ है, तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आप आइए, और एक स्लोगन है डोंट स्ट्रेस हैवी एंड राइड विद जैवी। थैंक यू। सिने वर्कर और ऑल इंडिया मीडिया का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हमने कोविड काल में जो लोगों के लिए काम किया था उसके लिए राम कुमार जी ने हमें आज जो सम्मान दिया हुआ है उसके लिए मैं राम कुमार जी और उनकी सारी टीम को मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री के जो भी वर्कर है, जिनको जिस तरह का जो भी प्रॉब्लम हो, कभी भी आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू। 2013 में मैंने कंपनी का स्टार्टअप किया था, तब मेरे सामने बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आए थे। उस रिगार्डिंग हमने रिसर्च कर एक प्रोडक्ट बनाई थी, किसरा पिंपल केयर सॉप। उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई स्किन की, और हमने तकरीबन 70 लाख फेसेस से ज़्यादा पिंपल को हटाए हैं। और आगे भी हमारा बड़ा गोल है कि हम कई लोगों के पिंपल हटाकर उनके चेहरे पर स्माइल दें। थैंक यू। गुड डे फॉर अस, दिस इज श्रीनु मांते, आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वी आर रिप्रेजेंटिंग IIFSC इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड IIFSC ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आई एम द CEO. आई एम वेरी थैंकफुल टू टीम। टुडे इवेंट दे आर ऑर्गनाइज्ड वेरी वेल एंड वी मेट सोनू सूद, वी गॉट दिस अवार्ड। इट्स अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, इट्स वेरी गुड फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। से एस्ट्रोलॉजी की सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया का खिताब जो है आज सोनू सूद सर के हाथों से हमें मिला है। और आशा करते हैं आगे भी इसी तरीके का ट्रस्ट बना रहे और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए जो भी बेहतर रास्ते हो सकते हैं, जो भी हम ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, वो आगे भी रखेंगे और जारी रखेंगे और बेटर सेवाएं देते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी की। और आशा करता हूँ कि आप सभी भी जो है हमें सपोर्ट करेंगे। जय श्री राम। एशियन आइकॉनिक अवार्ड सोनू सर ने दिया है, जिसके उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम आनंद, आई एम फ्रॉम केरला। बेसिकली मैं एक फौजी हूँ
20 साल मैंने इंडियन नेवी के लिए सर्विस किया, तो वहाँ से फिर मुझे अभी आई एम फुली कन्विंस कि देश ने हमें बहुत कुछ दिया, तो नाउ इट्स माई टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो ड्यूरिंग प्रलया केरला फ्लड आई कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ 2000 पीपल अराउंड। नाउ माई मिशन इज टू गो ऑन प्रोवाइडिंग फ्री फूड फॉर 3000 पीपल दिस ईयर एंड फ्री एजुकेशन फॉर पुअर गर्ल चिल्ड्रेन। सो थैंक यू मुंबई फॉर। शैलेश पी तिवारी है, CMD ऑफ पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले मैं तो राम कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, करोड़ों रुपये आज खर्चा किया है उन्होंने, इतना बड़ा प्रोग्राम करके सोनू सूद जी को बुलाया, और सोनू सूद जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सबको अच्छी तरह से जो है ना दिल से उन्होंने अवार्ड दिया, हमें भी अवार्ड दिया, इसके लिए धन्यवाद। शैलेश भाई को भी धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम कुमार भाई जी सोशल वर्क में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जय श्री राम प्रोग्राम का उनका हर एक इंडिया में पहुंचना चाहिए संदेश, हर एक जगह उनका जय श्री राम का प्रोग्राम होना चाहिए और होते ही रहेगा। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और सोनू सूद से मिलने का मौका मिला। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने लाइफ में कभी सोनू सूद से मिल भी पाऊँगी, बट उन्हें देखकर मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए जो किया है वो तो कोई गॉड ही कर सकता है। सच्ची थैंक यू सो मच इस अवार्ड में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, राम सर। पहले शैलेश जी बताइए। मैं पहले लेडीज फर्स्ट। मैं यहाँ पे आई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो यहाँ का माहौल था, जो सेलिब्रिटीज थे सबसे मिलके, और ये आइकॉन अवार्ड लेके मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। बाकी जो सबसे ज़्यादा मेहनत रही है वो शैलेश जी की रही है, तो मुझसे ज़्यादा अच्छा शैलेश जी आपको बता पाएंगे। देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, ऋतु भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। अब बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलूँगा सोनू सूद का, बिंदु बाजी का, राम भाई का, जिन्होंने मतलब एक भरोसा देके, उम्मीद देके मेरे को ये बोला करने, और मैंने किया। और आज लगभग हमने यहाँ 80 से 95 लोगों को फैलिसिटेशन किया, और मैं चाहता हूँ इसी तरह लोग हम पे भरोसा करें, ट्रस्ट करें, और आने वाले दिनों में हमारे जो भी कार्यक्रम है उसको प्यार मोहब्बत से एक्सेप्ट करें। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे बारे में? ये जो अवार्ड मिला है शैलेश भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, और शैलेश भाई ने बहुत मेहनत की है, और आगे आप लोगों की भी मेहनत है, और सारे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, और आगे भी हम मीडिया के साथ रहेंगे और मीडिया हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।